तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं साइबर सेल के ऑफिस आया हुआ था और जो मेरे सब्सक्राइबर है उनका जो डिटेल था दिल्ली से ही जो है उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। पीछे भी देख पा रहे होंगे और मैं यहाँ पर आ रखा हूँ उनका अनफ्रीज कराने के लिए, और कुछ टाइम के बाद जो है मेरे को अपडेट आएगा कि कैसे उनका अनफ्रीज हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बाद जो है मैं आपको सारी डिटेल ब्रीफली बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने स्टार्टिंग पे देख ही लिया कि मैं साइबर सेल के ऑफिस गया हुआ था, ये दिल्ली में पड़ता है आउटर सदर, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, ये रोहिणी के आसपास है साइबर सेल। और यहाँ पर जो मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने मेरे को फॉलो किया हुआ था और मेरे को कांटेक्ट किया मेरे दिए हुए नंबर पे, और उन्होंने बताया कि सर मेरा जो है दिल्ली से मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अगर देखिए दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर आपका कोई भी केसेस होगा ना, चाहे आप महाराष्ट्र रहते हो, तेलंगाना रहते हो, हैदराबाद, बेंगलोर, केरल, कहीं पर भी रहते हो, एक्स वाई जेड, दिल्ली को छोड़ के अगर दिल्ली में आपका केस रहता है, तो जिस दिन मेरा ऑफ रहता है उस दिन जाके जो है मैं साइबर सेल ऑफिस जाके उस केस को सॉर्ट आउट करता हूँ। अगर दिल्ली से बाहर का केस रहता है, मान के चलिए कि आप दिल्ली में ही रहते हैं और आपका केस हैदराबाद से, या आप राजस्थान रहते हैं और आपका केस जो है बेंगलोर से, या आपका कोई भी एक्सपायर्ड किसी भी स्टेट से है जहां पर आप रहते हैं उसको छोड़ के आप किसी भी स्टेट से अगर आपका अकाउंट अगर फ्रीज हो जाता है, तो उस केस में जो है मेरे जो लॉयर्स हैं जो मेरे लिए वर्क करते हैं, जो सिर्फ साइबर सेल के रिलेटेड ही केसेस सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोगों में से काफी सारे लोग कहते हैं कि सर मैं लॉयर कर लूं, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक लॉयर ऐसा होता है जो हर एक तरीके का केसेस लेता रहता है। मान के चलिए कि उसके पास डिवोर्स केस भी है, उसके पास कोई मर्डर केस भी है, उसके पास फलाना ढिंगाना बहुत सारे केसेस है, लेकिन कुछ ऐसे भी वकील होते हैं जो सिर्फ साइबर सेल से रिलेटेड ही जो है क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, वो वहां पर जाके उस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं, दुबई में कस्टमर रहते हैं और उनके फादर के साथ ऐसा हुआ था, तो दुबई से सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई, मतलब ना ही उनके फादर को जाना पड़ा बेंगलोर को और ना ही दुबई से किसी को आना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो है वहां पर हमारे वकील गए, मतलब लॉयर हमारे गए और वहां पर जो है उन्होंने सॉर्ट आउट करा दिया। लेकिन जो दिल्ली एनसीआर के केसेस हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाया था कि जहां पर मैं थाने में गया हुआ था, तो वहां पर उस कस्टमर का मैंने सॉर्ट आउट करा दिया, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए जो है दोस्तों अगर आपका केस अगर इस तरीके का है जो दिल्ली एनसीआर का है, तो आप डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि काफी सारे लोग काफी गलत जानकारी देते हैं, साफ सीधी बात बोलना चाहूंगा, बात को जो है घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा, काफी लोग जो है गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, पहले तो मेरे को जब फोन करेंगे तो ऐसा बताएंगे कि हाँ मैंने कुछ किया ही नहीं है और ना ही मैं इस चीज के बारे में जानता हूं। जब साइबर सेल फोन करते हैं, जब उनसे बात मैं करवाता हूं, तो फोन ही स्विच ऑफ कर लेते हैं, काफी बार ऐसा हुआ है। अभी यहां पर अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिलेगा कि यहां पर सहादरा है दिल्ली के अंदर, वहां पर भी एक साइबर सेल ऑफिस है, मतलब हर एक डिवीजन के अंदर एक साइबर सेल ऑफिस होता है। तो अब जैसे दिल्ली में 7 डिवीजन है, तो उसमें हर एक डिवीजन में एक साइबर सेल ऑफिस होगा। तो वहां पर मैं गया, कस्टमर ने मेरे को बोला कि सर मैंने ये एविएटर ऐप से या जो भी ऐप से जो है गेमिंग से पैसा मैंने जीता, तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं सेकंड लेयर पे फ्रीज हो गया। मैंने बोला ओके, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जब साइबर सेल ने सवाल पूछना शुरू किया ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं थाने में बैठा हुआ था और उन्होंने अपना फोन ही स्विच ऑफ कर लिया, फोन स्विच ऑफ कर लिया। साइबर सेल वाले ने मेरे को ये बोला कि देखिए सर आप इतने परेशान मत होइए कीजिए, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग फ्रॉड भी होंगे। अब फोन ऑफ कर दिया, आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, मैं 3 घंटे तक 4 घंटे तो मैं घर भी पहुंच गया तो भी फोन करता रहा, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वो फ्रॉड आदमी था। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो सही जानकारी दीजिए, आपको पहले बात हो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो गया, चाहे आपने गेमिंग ऐप से पैसे जीते हो, चाहे ट्रेडिंग से जीते, कहीं से भी एक्स वाई जेड आपके दुकान पे किसी ने आके सामान खरीदा हो और आपको पेमेंट कर दिया हो, आपका जो है अकाउंट फ्रीज हो गया हो, या आपका सीएसके सेंटर है, आप जो है ग्राहक सेवा चला रहे हो और आपके खाते में किसी ने पैसे भेज दिया और आपसे कैश लेके चला गया और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, तो एटलीस्ट उसका सही जानकारी तो दीजिए। ऐसा कभी होता है क्या कि आप बोल रहे हो कि मेरे पास कोई, मैं ऐसी जा रहा था और मेरे को रास्ते में किसी ने 10,000 रुपए बोले कि आपके पास है, मैंने उस आदमी को 10,000 रुपए दे दिए और पेटीएम मैंने ले लिए। आप ही एक बात बताइए, कभी ऐसा होता है कि आप कहीं किसी रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई बोले 10,000 रुपए मेरे को कैश दे दो और आप उसको निकाल के दे दोगे और पेटीएम ले लोगे? काफी लोग 99% लोग मना कर देंगे। चलो 150 की बात रही तो बात समझ में भी आती है कि 150 रुपए आपको किसी ने मांगे और आपने उसको पेटीएम हेल्प कर दी, लेकिन 10,000-20,000 किस सेंस में पॉसिबल है कि आप किसी को रास्ते चलते हुए इंसान को 10,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो और पेटीएम आप ले लो? ये ज्यादातर लोग जो है गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं।
तो इसलिए जो है आप चाहे मेरे लॉयर से बात कीजिए, चाहे आप मेरे से बात कीजिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सही दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका भी अकाउंट फ्रीज हो गया है तो डरने की जरूरत नहीं है, लेयर क्या है पहले वो पता कीजिए बैंक से। आप 1930 पे हेल्प ले सकते हैं, आपको वो एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपका कहां से अकाउंट फ्रीज हुआ है, वो सारी डिटेल आपको दे देंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी आप लोग कहते हैं कि मैंने ये लॉयर कर लिया, इसने मेरे पैसे खा लिए, फलाना कर लिया, तो पहले तो आप ये देखिए कि वो लॉयर कौन कौन से केसेस लेता है। उसके पास हजारों केसेस मान के चले पड़े हुए हैं और आप बेंगलोर में बैठे हुए हैं या आप वेस्ट बंगाल में बैठे, आपने लॉयर कर लिया अपने नियर बाय। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो साइबर सेल से रिलेटेड जो वकील होते हैं या लॉयर होते हैं वो वहां पर जाके उस चीज को सॉल्व करते हैं। ये नहीं कि आपसे पैसा ले लिया और जो है वहां से आपको नोटिस भेज दिया, वहां से नोटिस का तो कभी रिप्लाई भी नहीं आएगा जल्दी। तो इसलिए जो है सोच समझ के करें वकील, ऐसा ना हो कि ऐसा वकील आप कर ले जो हर तरीके की केसेस ले रहा है और बाद में आपका 2-4 महीना आपका वेस्ट कर दे। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो ऑलरेडी मैंने नंबर दिया हुआ है, जो मैं आपको सीधे मुंह पे बोलता हूँ कि जो मैं फीस लेता हूँ वो 300 रुपीज लेता हूँ, इसके अलावा मैं कोई भी फीस नहीं लेता। मैं आपको जहां तक रहता है वहां तक हेल्प करता हूँ। अगर मान के चले 1% लॉयर की जरूरत पड़ती है देन मैं आपको कहता हूँ लॉयर करने के लिए, नहीं तो वो भी करने के लिए नहीं कहता। लॉयर जो है, ये जो मेरे लॉयर्स हैं, ये ऑलरेडी जो है सिर्फ साइबर सेल से रिलेटेड ही केस सॉल्व करते हैं, इसके अलावा कोई भी केसेस नहीं लेते और वो वहां जाके सॉर्ट आउट कराते हैं। ऐसा नहीं कि कॉल कर दिया हो गया, पहली बात तो कॉल करने से नहीं सॉर्ट आउट होता है, वहां जाके ही कराना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा, मैं 110% रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।